दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज जन्माष्टमी है तो मेरे सारे दोस्तों को, मेरे सारे व्यूअर्स को हैप्पी जन्माष्टमी। आज का दिन आप खूब अच्छे से मनाइए और सब अच्छे रहिए, खुश रहिए। अभी मैं खाना बना रही हूँ, देखो मैं कुछ किचन में हूँ और ये चावल पक रहा है। हाँ, और ये होगा, और मैंने कुछ बनाया थोड़ा बहुत, पर ये जो कुछ भी मैंने आज बनाई है ये तो मेरे सासू माँ के लिए है। ये है, देखिए मैंने शाक भाजा बना ली है और अभी होगा एक फिश का करी होगा। ये सब कुछ मेरे सासू माँ के लिए है, वो उनके लिए बना रही हूँ और मैं आज भेज खाऊंगी। मैं वैसे ही मंडे और फ्राइडे को भेज ही खाती हूँ। और मेरी जो और एक बच्चा है मेरी कुकी, वो देखो क्या कर रहा है अभी। अभी वो बारिश हो रहा था ना तो अभी ठंड लग रहा है तो वो नीचे ऐसे आराम ले रहा है। और मेरे हस्बैंड और मेरी कुकी, उन लोगों के लिए भी फिश है, वो लोग फिश खा लेंगे। और मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ के में बारे में मैं कभी अब लोगों को बता ही नहीं, वो कैंसर पेशेंट हैं और उनका लास्ट स्टेज है। तो फिर भी उनका जो मन करता है वो खाती है, हमें कोई उसमें, हम लोग उसमें कुछ बोलते भी नहीं है। क्या है कि बोलना मना है, बाकी मैं अभी नहीं बता सकती। तो उनका जो मन करता है वो बोल देती है, मैं वो बना के दे देती हूँ कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो मैं नहीं बताती। तो सब अच्छे रहिए, खुश रहिए और आज का दिन अच्छे से मनाइए। और अपने बच्चे को, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो भी है, सब ईश्वर का ही दान है। और चाहे वो कोई भी बच्चा हो, वो एनिमल हो या ह्यूमन भी, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना मम्मी के पास। तो सबको लेके आप खुश रहिए। माता रानी आप सबको अच्छे रखे, श्री कृष्ण जी आप सबको सलामत रखे। बोलना था एक बात कि आप लोग सोचते रहते कि मैं हमेशा हमारी कुकी को मैं क्यों बांध के रखती हूँ इधर। एक्चुअली क्या है ना, मैं पहले ऐसे उसको नहीं बांधती थी, वो हमेशा खुला ही रहता था, खुला छुड़ा रहता था। लेकिन अभी क्या है ना, कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मेरी सासू माँ जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो हमेशा इसको डांटते रहते हैं। और दरवाज़ा सारा सब कुछ खुला रहता है और बाहर इतना खुला रहता है कि चारों तरफ बाहर के कुत्ते इधर उधर घूमता रहता है, तो ये बहुत डेंजरस है। तो इसीलिए मेरे कुकी की सेफ्टी के लिए अभी मैं उसको बांध के रखती हूँ, पर ये पहले कभी नहीं होता था। इसीलिए उसको भी थोड़ा परेशानी हो रहा है, पर बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग तो 2 महीने के बाद यहाँ से जा रहे हैं अपने नए जगह पर और एक नए उड़ान लेके और नई लक्ष्य लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे अब सबको पता चलेगा। अब लोग अच्छे रहे, खुश रहे।